नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्रिएटिनिन लेवल के बढ़े हुए लक्षणों के बारे में, साथ ही जानेंगे क्रिएटिनिन क्या है और इसका प्रोडक्शन यानी कि इसका निर्माण किस तरह से होता है। तो सबसे पहले बात, क्रिएटिनिन क्या है। क्रिएटिनिन हमारे शरीर में मिलता है हमारे यूरिन में, हमारे ब्लड में। अब सवाल आता है कि क्रिएटिनिन बनता कैसे है। तो क्रिएटिनिन बनता है हमारे शरीर में हमारे द्वारा खाए हुए भोजन से, यानी कि हम जो भी फूड इंटेक कर रहे होते हैं क्रिएटिनिन उससे बनता है। अब होता क्या है, आपने कोई भी चीज़ इंटेक की, आपने कोई भी फूड लिया, अब आपका लीवर क्या कर रहा है, लीवर आपका एक नॉर्मल कंपाउंड क्रिएटिन बना रहा है जो भेज रहा है आपके मसल्स में एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। अब होता क्या है, यहाँ पर जो अनयूज क्रिएटिन होता है, जो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, वो क्या बन जाता है, क्रिएटिनिन। और यही क्रिएटिनिन हमारी किडनी अपने टॉयलेट के रास्ते यानी कि यूरिन के द्वारा उसे बाहर निकाल देती है। तो अभी हमने समझा क्या कि क्रिएटिनिन क्या है और इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। बताती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रहा है, तो ऐसे क्या लक्षण हैं वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है हमारे यूरिन में फर्क आना। क्या होता है कि आपको लगता है कि आपको लगातार यूरिन आ रहा है, और आपको कई बार ऐसा लगता है कि आपको यूरिन कई बार आ रहा है लेकिन यूरिन आपको आता नहीं है। आपके यूरिन में कलर में फ़र्क आने लगता है, उसमें पीलापन जैसा आपको महसूस होता है, उसमें आपको काफ़ी झाग दिखाई देने लगते हैं, उसमें स्मेल भी आपको महसूस होती है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके यूरिन में ब्लड तक आ जाता है, तो ये एक बड़ा साइन हो सकता है आपके क्रिएटिनिन लेवल हाई होने का। अगर आपको चलते फिरते आपके शरीर में अकड़न हो जाती है, यानी कि आपके क्रैम्प्स आ जाते हैं, यानी कि हिंदी में जैसे बोला जाता है बाइटा, आपको चलते फिरते आपके शरीर में अकड़न हुई, आपके नसों में एकदम ऐठन हुई, इसका मतलब है कि आपका क्रिएटिनिन लेवल कहीं ना कहीं हाई हो रहा है। आपके शरीर में आपको हर समय सर्दी जैसा महसूस होता है, आपको लगता है कि आपको ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है, या आपको खाना खाते वक्त या कुछ भी खाते वक्त जी मिचलाना, अजीब सी घबराहट या फिर वॉमिट सेंसेशन जैसे फील होते हैं, तो ये भी एक बड़ा साइन हो सकता है कि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है या इंक्रीज हो रहा है। अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, आप हाई ब्लड प्रेशर आपको रहता है, आप शुगर लेवल आपका हाई रहता है, और आप जिसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं या जिसकी आपने दवाई नहीं ली है और आप उसका रूटीन चेकअप भी नहीं कराते हैं, तो ये धीरे धीरे आपके क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा सकता है। आप कोई भी काम करते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आप जल्दी थक जाते हैं, आपको लेजीनेस रहती है, आपका शरीर टूटा टूटा रहता है, आपके शरीर में थकान रहती है, तो ये भी एक बड़ा संकेत है आपके क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने का। और सबसे इम्पोर्टेंट संकेत होता है आपके शरीर में सूजन का आना, खासकर आँखों के नीचे आपको सूजन ज़्यादा दिखाई देती है, आपके पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आपको महसूस होती है, तो ये एक बड़ा लक्षण हो सकता है कि आपका क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी बढ़ रहा है। तो ये थे बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल के लक्षण। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में इनमें से कोई भी लक्षण है, तो आप तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लीजिए, यानी कि डॉक्टर कंसल्टेशन लेना आपको बेहद ज़रूरी है। तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप ट्रीटमेंट चाहे कहीं से भी लें, लेकिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट इसमें बेस्ट थेरेपी के तौर पर काम करता है। होता क्या है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट आपके फिजिकल फिटनेस के साथ, आपकी बीमारी के रूट कॉज के साथ तो काम करता ही है, आपके मेंटल स्टेटस को भी बेहतर करता है और आपकी एक अच्छी काउंसलिंग करता है। तो आपको करना क्या है, आपको भारत होम्योपैथी डॉक्टर्स की टीम से संपर्क करना है, नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है मुझे कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आई होगी। अगले सेगमेंट में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।